वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। सो गाइस, अब हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे चार्जेस की बात कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट करने की बात कर लेते हैं। अगर ये फार्मूला देता है तो हमको कैसे पहचानना है कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या फार्मूला होगा ये सब। ओके, सपोज गाइस देखो, जैसे एक फार्मूला है एम। ओके, समझना इसको। ओके गाइस, जैसे एम है, ये एम आपका एम एन पॉजिटिव से चेंज हो रहा है एन इलेक्ट्रॉन में, तो ये आपको ऑफिशियली पता है कि ये जीरो से बढ़ रहा है या फिर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है गाइस, इसका ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो भाई जिसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा। इसको हम लोग फॉर्मूला में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड एम से किस में कन्वर्ट हो गया गाइस, एम एन पॉजिटिव में, एम से एम पॉजिटिव, ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल गया, ओपी। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल गया। वैसे ही रिडक्शन में होगा गाइस, अगर मैं बात करूँ रिडक्शन का, तो रिडक्शन में सेम वैसे ही रिएक्शन होगा। एम एम हो रहा है, दूसरा ले लेते हैं, जैसे कोई कंपाउंड ले लेता हूँ मैं, एक्स ले लेता हूँ, एक समझो मेटल ही है। तो एक्स जो एन पॉजिटिव है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है, गेन करा देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हो जाएगा एन इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये क्या बन जाएगा गाइस, आपका एक्स बन गया। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, मतलब क्या है, रिडक्शन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्स एन पॉजिटिव से किस में चेंज हो रहा है ये गाइस, एक्स में चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये आपका बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल निकल रहा है। ओके, ये कंडीशन हो गया। अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये कंडीशन डिपेंड करता है गाइस कि इंटरनेशनल आईयूपीएससी किसको मानता है, ठीक है, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि इसके वैल्यूज जो होते हैं, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों के वैल्यू सेम आते हैं, ठीक है, किसी भी सेल में, तो इसमें एक पॉजिटिव में आता है और एक नेगेटिव में आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग एक बेसिकली कॉन्सेप्ट निकाला गया, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड जो होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, थोड़ा ही डिफरेंस होता है। तो जो आईयूपीएससी है गाइस, आईयूपीएससी, ये आईयूपीएससी जो है वो सिर्फ किसको लेता है, रिडक्शन को लेता है, याद रखना, रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में लेता है, ठीक है। अब कंडीशन आप समझ लो यहाँ से, पहला कंडीशन कि जो आईयूपीएससी है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या मानता है, स्टैंडर्ड आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानता है, पहला। सेकंड, ये जो रिडक्शन है गाइस, रिडक्शन पोटेंशियल है, इसी को क्या मानेंगे हम लोग, आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानेंगे, तो रिडक्शन वाला ही क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये रूल है, यूपीएससी का रूल है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो उसको हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना पड़ेगा गाइस। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल है तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है गाइस, थर्ड फॉर्मूला है इसका, कि जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो ऑलवेज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल। ओके, एस ओ पी, स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल, मतलब उसको माइनस में देंगे तो किस में आ जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये कंडीशंस, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ओके, तो इतना आप याद रखोगे गाइस, अभी आगे काम आएगा इसका। ओके गाइस, तो हम लोग अब निकालेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं गाइस, उसके मेन रूल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। सपोज वही है सेम, ये जैसे कोई मेटल है, तो मेटल का क्या लेंगे हम लोग, पहले गाइस उसका इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। ओके, यहाँ पे अपोजिट हो गया मेरा, ये यहाँ पे हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, मेटल का क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। ओके ओके गाइस, सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए लगा दिया मैं, यहाँ पे चार्जेस लग गया, ठीक है, ये वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देखो, जनरली क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हो रहा है गाइस रिडक्शन, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ पे एम एन पॉजिटिव जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंक्लीगेट होगा यहाँ तक,
और ये इसमें आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और ये जो होगा इसमें आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इस नेगेटिवली चार्ज कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, मतलब कि ये हो जाएगा आपका एनोड और ये हो जाएगा आपका कैथोड, ठीक है, कंडीशन समझो। ओके, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकल रहा है, ठीक है, वो हमको देखेंगे। जैसे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा एनोड कैथोड, तो आपको मैं फॉर्मूला बताया था लोन, ठीक है, लोन ये समझ लो आप। लेफ्ट साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें क्या होता है एनोड होता है, और वो क्या होता है नेगेटिव होता है, चार्ज क्या होता है उसका नेगेटिव होता है। ये कंडीशन बिल्कुल भूलना नहीं गाइस, ये हमेशा सब में ही हो, जो लेफ्ट साइड रहेगा उसमें ये रूल होगा ही होगा। ओके, ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग हमको समझ में आ गया कि इसमें जो एम था वो क्या चेंज हो गया गाइस, एम एन, एन पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ये जो था ये क्या हो गया गाइस, रिडक्शन हुआ, ये एक्स एन पॉजिटिव एन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्या बन गया गाइस, एक्स बन गया। ओके, मेटल बन गया। अगर सपोज मैं इसका कोई भी चार्जेस बता दूं आपको, कि जैसे इसका जो है चार्जेस होगा, इसमें क्या हो रहा है गाइस, देखो एम से एम एन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है और इसमें रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। ओके, अब इन दोनों चार्जेस का अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ईएमएफ निकालना है सेल का, तो कैसे निकालूंगा, ऑब्वियसली इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल आ जाएगा, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो आपका ये इलेक्ट्रोड कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ देंगे। ये क्या है गाइस, ये है एनोड और ये क्या है हमारा कैथोड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ओके, तो एनोड एंड कैथोड में हो गया। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ गाइस, इसको लिख सकता हूँ मैं ई आर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि जानते हो आईयूपीएससी मानता है इसको, इसको क्या देते हैं हम लोग आईयूपीएससी में देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये जो चार्ज है प्लस में, इसके इसको चेंज करेंगे तो किस में होता है गाइस, ये हमेशा माइनस में, ये पता है आपको माइनस वाला, तो इसमें लगा दिया मैं माइनस, प्लस हो गया ये माइनस, और ये क्या हो गया गाइस ई आर पी, यानी दोनों के दोनों किस में आ गए रिडक्शन, और यही लाना है हमको। ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, तो ये कैथोड और ये क्या हो जाएगा एनोड, क्योंकि चेंज है, ठीक है, कंडीशन वही रहेगा गाइस, ठीक है, तो ये कैथोड दे दो क्योंकि इसको चेंज किया हम लोग कैथोड, और ये हो जाएगा आपका एनोड। ऐसे चेंज कर सकते हैं, ये तो माइनस में रहेगा ना, अभी माइनस करेंगे तो माइनस अगर ई ओ पी है उसको अगर हमको ई आर पी में चेंज करना है तो किस में चेंज करते हैं गाइस, माइनस में चेंज करते हैं, और ये क्या रहेगा प्लस में रहेगा। ओके, और कैसे लिख सकते हैं इसको, मतलब मैं इसको ऐसा किया हूँ गाइस, आप कन्फ्यूज मत हो, ठीक है, इसको ये जो है इसको मैं माइनस आर पी लिख सकता हूँ, माइनस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ ई आर पी ही रहेगा ये, ठीक है। अब ये जो एनोड और कैथोड है ये चेंज कर दिया, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, बस इतना इजी है, ठीक है। और क्या देखेंगे, अब फॉर्मूला कैसे निकलेगा गाइस, इसका मतलब क्या हो रहा है ये समझो, ये ओके, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे जो ई एम एफ ऑफ सेल है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड, ई एम एफ ऑफ सेल, ठीक है, सेल डिपेंड कर रहा है गाइस डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल्स पे, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल्स पे, ठीक है, इलेक्ट्रोड ऑफ सेल्स पे, मतलब कि जो इलेक्ट्रोड जो है ई सेल है, ई सेल इक्वल टू क्या हो रहा है गाइस, एक एनोड में आ रहा है और एक कैथोड में आ रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूं इसको ई कैथोड, कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, और ये क्या है दोनों में क्या है रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, ये सिर्फ सेल के लिए है, डेनियल सेल के लिए, तो ई सेल का हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, सेम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। अगर ई सेल को अगर और दूसरे एंगल से लोगे तो इसको हम लोग ले सकते हैं गाइस, ई सेल इक्वल टू ई, ये कौन सा साइड होता है गाइस, ये जो है कैथोड, कैथोड कौन सा साइड होता है राइट साइड, क्योंकि एनोड क्या होता है लेफ्ट साइड, तो ई राइट माइनस क्या हो जाएगा गाइस आपका ई लेफ्ट, ई लेफ्ट, ठीक है, दोनों किस में है रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि चेंज किए कंडीशन, अदरवाइज क्या होता है एनोड पहले आता, ठीक है, तो ये दो फार्मूला
ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर वन और ये फॉर्मूला नंबर टू, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। अच्छा स्टैंडर्ड कंडीशन में आएगा, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में बस सब में नॉट नॉट लगा दे।